दफ्तर से अपना काम खत्म करने के बाद जब अपने घर के लिए गुप्ता जी निकलने लगे तो उस समय उनकी घड़ी में तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। हालांकि रोज गुप्ता जी शाम 7 बजे के लगभग अपने ऑफिस से निकल जाया करते थे, लेकिन आज काम के दबाव के कारण कुछ देर हो गई थी। घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ाहट में गुप्ता जी ने आज बस की जगह टैक्सी पकड़ने का निर्णय लिया और फिर ऐप के माध्यम से तुरंत ही एक टैक्सी बुक कर डाली। ठीक 5 मिनट के बाद दनदनाती हुई एक सफेद रंग की चमचमाती मारुति डिजायर गाड़ी आकर उनके पास खड़ी हो गई। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरकर पिछली सीट साफ करने लगा। सारी सर जी, एक बुजुर्ग महिला के साथ कुछ छोटे बच्चे बैठे थे, कुछ खा रहे थे, इसलिए सीट थोड़ी गंदी हो गई है और मैं उनको मना भी नहीं कर पाया। बच्चों को भला कैसे मना करता, ड्राइवर ने गुप्ता जी से कहा। ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी चलो, गुप्ता जी ने कहा। गाड़ी का गेट खोलकर जब गुप्ता जी उसके अंदर बैठे तो देखा कि अभी कार की सीट का प्लास्टिक कवर भी नहीं हटा था और भीतर से नई कार की खुशबू भी आ रही थी। अब ड्राइवर ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। बहुत बधाई हो तुम्हें नई कार की, बहुत अच्छी कार है, नाम क्या है तुम्हारा, गुप्ता जी ने जानना चाहा। शुक्रिया सर जी, अभी 3 दिन पहले ही ली है, मेरे पुराने साहब ने ही दिलाई है, बोले चलाओ अभी तुम्हें जरूरत है। मैंने कहा कि पैसे कैसे दे पाऊंगा, तो बोले चलाओ अभी पैसे की मत सोचो, मैं देख लूंगा। सर रमेश यादव नाम है मेरा, ड्राइवर ने बहुत खुश होकर कहा। अच्छा ठीक है, तो फिर ये नई गाड़ी तुम्हारे पुराने साहब ने तुम्हें क्यों दिलाई, गुप्ता जी ने जानना चाहा। सर मैं उनकी कार चलाता था तकरीबन 20 साल से, रोज सुबह उनको दफ्तर ले जाता और फिर शाम को वापस घर, उसके बाद जब जहां जरूरत होती वहां जाता उनके साथ या फिर उनकी पत्नी के साथ जाता था, ड्राइवर बोला। ड्राइवर ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। सर जी कोविड में वर्क फ्रॉम होम होने के कारण काम बहुत कम हो गया, फिर वहां मेरी जरूरत ही नहीं रही क्योंकि साहब नौकरी से रिटायर हो गए, उसके बाद मैंने फूड कंपनी का काम पकड़ लिया। सर बहुत प्रेशर था उसमें, गुप्ता जी ने पूछा। क्यों सर, 50 फोन एक साथ आ जाते थे, लोग देर से अपना आर्डर देकर फिर 15 मिनट में डिलीवरी के लिए दबाव बनाते थे, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बहुत डांट सुननी पड़ती थी, किसी को धीरज नहीं है सर, 2 बच्चे हैं मेरे, काम के जबरदस्त दबाव के कारण 6 महीने काम करके वहां से छोड़ दिया, ड्राइवर ने कहा। फिर, गुप्ता जी ने आगे पूछा, फिर साहब ने ड्राइवर की एक वेबसाइट पर मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया, जब जिसको जरूरत पड़ती बुला लेता, अपनी सोसाइटी में भी उन्होंने सबको बता दिया था, 10-12 हजार महीने का कमा लेता था, पेट भर जाता था मेरा और मेरे परिवार का। फिलहाल मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं सर, एक अगले साल 10वीं की परीक्षा देगा और दूसरा BA में है, आगे बोल रहा है कहीं से मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा। अब पढ़ाई में तो पैसा लगता है ना सर, मैं बहुत चिंता में था। इतना कहकर ड्राइवर खामोश हो गया और उसकी आंखें भींग गई। फिर गुप्ता जी ने ड्राइवर को कुरेदा। फिर सर मैंने अपने साहब को पूरी बात बताई तो वे बोले चिंता मत करो, चलो तुमको एक गाड़ी निकलवा देता हूं, अब तुम खुद की गाड़ी चलाओ। मैं बोला साहब पैसे कहाँ है मेरे पास, तो वे बोले मैं निकलवा देता हूं। उन्होंने ही सारी बात की, कंपनी से और अपने रिटायरमेंट के मिले पैसों से ये गाड़ी मेरे लिए खरीदी। तो कार साहब के नाम है, गुप्ता जी ने पूछा। नहीं सर, मेरे नाम से, ड्राइवर बोला। फिर पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, कैसे करोगे, इतना सब कुछ, गुप्ता जी ने कहा। सर साहब ने कहा है कि तुम सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से गाड़ी चलाओ, अपनी सारी जरूरतें जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसे अभी नहीं देने हैं, जब ये गाड़ी बेचोगे तब बताना, फिलहाल मैं सब देख लूंगा। अब तक उस साहब के बारे में गुप्ता जी की उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी थी, ऐसे भले लोग कहां आसानी से मिलते हैं इस दौर में भला। क्या करते हैं तुम्हारे साहब? सर वो एक बड़े दूर संचार कंपनी में कार्य करते थे, बड़े ही भले लोग हैं वे, उनकी पत्नी भी गरीब बस्ती के बच्चों को खाली समय में अपने घर पर बिल्कुल मुफ्त पढ़ाती हैं। क्या नाम है उनका, गुप्ता जी ने पूछा। जी साहब का नाम है प्रफुल्ल शर्मा, ड्राइवर ने कहा। मोबाइल नंबर याद है उनका तुम्हें? गुप्ता जी की उत्सुकता के बांध पहले ही ध्वस्त हो चुके थे। ड्राइवर ने अपने साहब प्रफुल्ल शर्मा का नंबर गुप्ता जी को बताया। फिर गुप्ता जी ने उन्हें एक भावनात्मक संदेश व्हाट्सएप पर भेजा, साथ ही उन्हें बताया कि आपके पुराने ड्राइवर रमेश यादव की नई गाड़ी में बैठा हूं,
आपने जो उसके लिए किया है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। दूसरी तरफ प्रफुल्ल शर्मा जी को अनजान नंबर से संदेश पाकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या यह मैसेज मेरे लिए है? उन्होंने वापस प्रतिक्रिया जाननी चाही। फिर गुप्ता जी ने विस्तार से प्रफुल्ल जी को पूरी कहानी बताई। पूरा संदेश आदान प्रदान के बाद गुप्ता जी ने यह महसूस किया कि प्रफुल्ल साहब ने अपने ड्राइवर के लिए जो कुछ भी किया है उसका रति भर भी श्रेय वे खुद नहीं लेना चाहते। अंत में प्रफुल्ल बाबू ने गुप्ता जी को बस एक ही संदेश भेजा, जनाब रमेश मेरा ड्राइवर नहीं बल्कि मेरे लिए मेरे परिवार का एक अहम सदस्य है। गुप्ता जी की आंखें डबडब आ गई और वे मन ही मन सोचने लगे, साला कौन कहता है बे कि इंसानियत मर चुकी है इस दौर में। अपने घर के मुख्य गेट पर पहुंचकर गुप्ता जी टैक्सी से उतर गए और ड्राइवर रमेश को उसके किराए के अतिरिक्त 500 रुपये का एक नोट थमाया और उससे कहा कि वापस अपने घर जाते समय बच्चों के लिए मिठाई खरीद लेना और उनसे बोलना कि एक अंकल ने भेजा है। ड्राइवर रमेश ने आंखों आंखों में ही गुप्ता जी को शुक्रिया कहा और फिर कुछ चिंतन करते हुए FM रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाकर वहां से आगे बढ़ चला। उस वक्त रेडियो पर गाना चल रहा था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो, निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो, तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है।